सत श्री अकाल वॉइस ऑफ पंजाब टीवी देख रहे सारे दर्शकों का हिस्ट्री ऑफ टूडे दे विच स्वागत है। मैं तुहाडे नाल प्रदीप अडोल ते अज गल करांगे 19 जून की। चक नानकी आनंदपुर साहिब का एक इतिहासिक पिंड है। नौवें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी ने बाबा बुढ़ा जी के वंश में बाबा गुरदित्त जी दे कोल 19 जून 1665 नूं चक नानकी की मोड़ी गढ़वाई अते कहलूर दे राजा दीप चंद ने राणी चंपा देवी कोलों मखोवाल सहोटा मियाँपुर आदि पिंडां दी जमीन 500 रुपये नगद खरीद के इस नगर की स्थापना अपनी माता नानकी दे नां उत्ते करवाई। चक नानकी नगर वसाउण पिछों गुरु तेग बहादुर जी दी लगभग 3 महीने इस नगर दे विच ठहरे। यह आम तौर पर मन्या जाता है कि श्री आनंदपुर कस्बे की स्थापना श्री गुरु तेग बहादुर साहिब ने 19 जून 1665 नूं कीती सी। दरअसल यह चक नानकी सी अते जिसकी स्थापना 1665 दे विच हुई सी। आनंदपुर साहिब का नींह पत्थर 30 मार्च 1699 नूं रख्या गया सी। आम तौर पर नवे शहरां की स्थापना पातशाहां द्वारा विकसित की जाती रही है। सिख धर्म के इतिहास में यह एक विलक्षण वर्तारा है कि इसके पैगंबरां ने कई कस्बों की स्थापना की और कई पिंडां नूं वड्डे कस्बों के विच तब्दील किया। इसलिए गुरु साहिब विच समाजिक राजनीतिक आर्थिक और अध्यात्मिक भूमिका एक होगी। सिख इतिहास नाल जुड़िया पहला कस्बा श्री गुरु नानक देव जी के जन्म अस्थान ननकाणा साहिब है। चक नानकी की स्थापना गुरु तेग बहादुर साहिब द्वारा की गई सी। पहला वो बकाला विखे रहिंदे सी अते उन्होंने 7 साल 1656 से 1664 तक असाम बंगाल अते बिहार विच बिताए सन। उन्होंने कुछ समा तलवंडी साबो अते तमतान विखे भी बतीत किए सन। April 1665 के अध विच उन्होंने कीरतपुर साहिब का दौरा किया। जदों वह अजे कीरतपुर विखे ही सन तो 27 अप्रैल 1665 नूं बिलासपुर के शासक राजा दीप चंद की मौत हो गई। बिलासपुर का शासक बहुत श्रद्धावान सिख सी। 10 मई 1665 नूं गुरु साहिब राजा दीप चंद लई अंतिम अरदास करन बिलासपुर पहुंचे। गुरु साहिब 13 मई तक उत्थे ही रहे अते इस समय तक राणी चंपा नूं पता लगा सी कि गुरु साहिब ने इत्थों जाण दा फैसला कर लिया सी। इसलिए राणी चंपा निराश हो गई। वह माता नानकी कोल चलेगी अते उन्हां अगे बेनती कीती कि गुरु साहिब नूं बिलासपुर राज तों बहुता दूर ना जाण दित्ता जावे। माता नानकी भावुक होई अते चंपा राणी दी मदद करन लई विरोध नहीं कर सकी। माता जी ने गुरु साहिब नूं राणी दी इच्छा पूरी करन लई बेनती कीती। जदों गुरु साहिब सहमत हो गए तां राणी चंपा ने गुरु साहिब नूं कुछ जमीन दान करन दी पेशकश कीती तां जो एक नवां शहर स्थापित कर सकन। गुरु साहिब ने नवां शहर स्थापित करन दा फैसला कीता पर जमीन दान ना करन तों इनकार कर दिता। उन्होंने लोधीपुर मियाँपुर अते सहोता दे पिंडां विचकार जमीन दे एक टुकड़े दी चोण कीती अते इस दे लई नियमित कीमत अदा कीती। राणी चंपा ने झिझकदे हुए जमीन दी कीमत नूं स्वीकार कर लिया परंतु उस दी खुशी दा कोई टिकाणा नहीं रहा अते उह गुरु साहिब जी नूं बिलासपुर राज दे नेड़े अपना कस्बा स्थापित करन लई चुणिया सी। खेतर जां चक नानकी एक शांतिपूर्ण खेतर सी। इस तों इलावा यह एक उपजा जमीन सी अते साल विच 2 फसलां पैदा कर सकती सी। गुरु साहिब द्वारा धरती दी चोण दी राणी चंपा अते सिखां द्वारा बहुत प्रशंसा कीती गई। बिलासपुर दे लोग बहुत खुश सन क्योंकि बिलासपुर राज अते मुगल प्रदेशां दीआं सरहदां ते सिख कहबे दे मौजूदगी दा अर्थ बिलासपुर अते इस दे सहयोगी राजां दी पूरी सुरक्षा सी। नवे कस्बे का नींह पत्थर भाई गुरदित्ता द्वारा 19 जून 1665 गुरु जी महल के मौजूद स्थान पर रख्या गया सी।
पहली अरदास दीवान दरगाह मल द्वारा की गई। गुरु साहिब ने अपनी माता नानकी दे बाद नवे कस्बे का नाम चक नानकी रखिया। गुरु साहिब ने अगले 3 महीने चक नानकी विखे बिताए। गुरु तेग बहादुर साहिब द्वारा अगले 6 महीने तक चक नानकी के दर्शन नहीं कर सके। उन्होंने जनवरी 1666 तो मार्च 1670 तक असाम, बंगाल और बिहार तक एक मिशनरी यात्रा की। मार्च 1672 दे विच गुरु साहिब अते उन्हां दा परिवार चक नानके चले गए अते अंत विच इस नूं अपना मुख कस्बा स्थापित कर दिता। गुरु साहिब ने 11 नवंबर 1675 नूं शहादत नूं अपनाया अते चक नानकी दी स्थापना गुरु तेग बहादुर साहिब अते आनंदपुर साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा स्थापित की गई सी। सो ये अज का हिस्टरी ऑफ टूडे। तो कल फिर हाजिर होवांगे कल दे दिन का इतिहास लैके। तद तक लई तुसी देखते रहो वॉइस ऑफ पंजाब टीवी।